दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। कुछ कमेंट्स आए थे दोस्तों मुझे, और कुछ फ्रेंड्स ने मुझे बताया था कि ये जो आप वीडियो बनाते हो तो मोबाइल में कैसे रिकॉर्डिंग करते हो, तो इसी के ऊपर दोस्तों मैं आज आपको ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो ये बहुत सिंपल है दोस्तों, मोबाइल के ऊपर रिकॉर्डिंग करना। एक छोटी सी एप्लीकेशन आती है दोस्तों प्ले स्टोर के ऊपर, आप जैसे प्ले स्टोर में सर्च करोगे स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पर, तो आपको काफ़ी सारे प्रेफरेंस मिल जाएंगे, काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे इसमें। इसमें से आप कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर इसमें से पसंद करके आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। आपने देखना क्या है इसके अंदर, जो भी आप इंस्टॉल करते हो उसमें, तो उसके जो फीचर है वो फीचर का एक बार ध्यान से थोड़ा देख लीजिए एक बार। जैसे मैं दो स्क्रीन रिकॉर्डर का इस्तेमाल करता हूँ, एक है मेरा ये फेवरेट है, ये मोबीजान है, और दूसरा है एक ये स्क्रीन रिकॉर्डर VN न्यूज़ सॉल्यूशन, ये दोनों का है, ये अच्छे स्क्रीन रिकॉर्डर है। मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ कि वो कैसे काम करते हैं, और आपने स्क्रीन रिकॉर्डर इंस्टॉल करते टाइम क्या क्या आपने देखना है। जैसे कि ये देखिए, स्क्रीन रिकॉर्डर अभी जो रिकॉर्डिंग अभी हो रही है वो इसी के अंदर हो रही है, और यहाँ पर आप सेटिंग्स में जाएंगे इसके, तो आपको इसकी क्वालिटी यहाँ पर देखिए, आप अपने हिसाब से आप इसमें क्वालिटी रख सकते हैं। और दूसरा चीज़ है इसके अंदर ओरिएंटेशन, आप इसके अंदर कर सकते हैं कि आपने पोर्ट्रेट करना है या आपने लैंडस्केप रखना है। ओके, उसके बाद अपने हिसाब से आप इसमें ब्राइटनेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा साउंड को एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर मेन चीज़ है, इसके अंदर आपका जो ये लॉगो अभी जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, टेक्स्ट लॉगो यहाँ पर आपको ये जो हिल रहा है वो टेक्स्ट लॉगो है, और ये भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं आप लिख के। उसके बाद आपने ये जो टच का जो टच का निशान जो आ रहा है मेरी उंगली में जहाँ रख रहा हूँ वहाँ पर टच का निशान जो आ रहा है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करके वो भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। और दूसरी बात है यहाँ पर फेस रिकॉर्ड, अगर आप फेस रिकॉर्ड करना चाहते हो तो इसे आप ओके कर दीजिए, तो आप जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपके सामने फेस भी रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है। ओके, अभी आपको मैं ये फेस रिकॉर्ड को हम डिसेबल कर लेते हैं। उसके बाद ये देखिए फेस रिकॉर्ड का इधर आ गया था, है ना, और इसे हम डिसेबल कर लेते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए आपको किसी भी रिकॉर्डर के अंदर। अभी दूसरा मैं आपको रिकॉर्डर एक दिखा रहा हूँ जो मोबीजान का है। अभी देखिए, जो अभी मैंने आपको रिकॉर्डर दिखाया था उसमें क्या था, ये लोगो था, आप ये देख सकते, ये लोगो है इसके अंदर, इसमें सिर्फ टेक्स्ट आता है, और इसमें क्या है, ये आएगा लॉगो, इसमें इसमें क्या इमेज आएगी दोस्तों यहाँ पर, और इमेज आप सेट कर सकते हैं, अपना लॉगो लगा सकते हैं या कोई इमेज आपका फ़ोटो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हम इसको देखते हैं, इसके ऑन ऑफ का स्विच आपको यहाँ से लॉगो के ऊपर से मिलेगा आपको, और सेटिंग्स इसकी ये बीच वाली है, तो यहाँ पर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ देखिए वो सारी चीज़ें इसमें भी सेम है, वीडियो का सेटिंग्स आपको यहाँ पर दिखेगा, आपको आपको फेस रिकॉर्डिंग करें तो वो भी आपको दिखेगा, प्लस आपको साउंड इंटरनल साउंड चाहिए या एक्सटर्नल साउंड चाहिए वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर टच गेस्चर भी आपको मिलेगा यहाँ पर, जैसे ये उंगली रखने से जो होता है आपको निशान दिखाई दे रहा है वो भी इससे सेट कर सकते हैं इसको ऑन ऑफ करने से। उसके बाद यहाँ पर सबसे मेन चीज़ें इस रिकॉर्डर के अंदर वो है ये लॉन्च एडिटर जो लिखा हुआ है, तो आप यहाँ इसको एक बार क्लिक करेंगे तो आपको एक एडिटर लॉन्च हो जाएगा जो कि आपको वीडियो एडिटिंग के अंदर काम आएगा। ये देखिए, ये मोबीजान का वीडियो एडिटर है, तो ये भी इसकी फैसिलिटी है, तो इसके थ्रू आप वीडियो को कट कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, उसके बाद इसके अंदर दो तीन वीडियो को एक साथ मर्ज कर सकते हैं, तो ये इसका एक अलग से ऑप्शन है जो कि बाकी रिकॉर्डर में नहीं होता है। ये भी काफ़ी अच्छा रिकॉर्डर है, और इसको रिकॉर्ड करने के लिए आप ऑन ऑफ का आपका ऊपर से यहाँ पर आएगा, और इसका जो मोबीजान का है आप यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। जो पहले वाला का आपका जो रिकॉर्डर है वो यहाँ से आएगा, जो स्क्रीन रिकॉर्डर है जो VN का वो, और मोबीजान का है आपका यहाँ से लोगो के ऊपर से आएगा। तो इस तरीके से आप ये रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, और आप इसमें कोई भी वीडियो चलाएं चाहे कुछ भी करें वो सारा यहाँ पर आपका रिकॉर्डिंग होता रहेगा। अभी देखिए ये वीडियो चल रखी है और इसका रिकॉर्डिंग भी
साथ साथ में चल रहा है। तो इसके आप कोई भी फंक्शन करेंगे सिवाय कि आप अपना जो मोबाइल का ऑन ऑफ स्विच को ऑन या ऑफ नहीं करना है, नहीं तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है। बस एक यही एक इसका जो डिसएडवांटेज है, बाकी आप रिकॉर्ड सब कुछ कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा फैसिलिटी है। तो अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।